ऐसा भटकाया, ऐसा वसवसा डाला, फवसवस लहुम शैतान, ऐसा वसवसा डाला कि जन्नत भी छिन गई, किससे? आदम अलैहिस्सलाम से। और कितनी प्यारी बात आकर कहा, कहा आदम सुनो, कहा क्या बात है? कहा अल्लाह ने तुम्हें वो फुला दरख्त से मना किया है ना? कहा हाँ। कहा मैं तुमसे पहले पैदा किया गया हूँ? आदम ने कहा तू तो मुझसे पहले पैदा हुआ है। कहा मुझे मालूम है क्यों मना किया है, मुझे पूरा पता है क्यों मना किया है। कहा क्या बात है बता, बात क्या है आखिर? कहा वो फल तुम खा लोगे ना, अल्लाह तुमसे जलन रखता है, अल्लाह तुम्हें हमेशा जन्नत में रखना नहीं चाहता, तुम्हें निकलवाना चाहता है। तो आदम ने कहा अच्छा अब भी खाता हूँ, रुको। खा लिया, फौरन खाया, अभी जन्नत में लो जन्नत हमेशा रहे। जब उन्होंने खाया, जिस्म पर जो कपड़े थे वो भी गायब हो गए। और लालच क्या दिलाया था? देख हमेशा हमें जन्नती बन जाओगे, बादशाहत तुम्हें मिल जाएगी, अल्लाह ये दोनों चीजें तुम्हें देना नहीं चाहता है। आदम ने खा लिया, जब खाया तब आवाज आई, आदम मना किया था ना, कहा अल्लाह भी याद आया, मैंने मना किया था कि इस दरख्त के करीब ना जा, लेकिन तूने खा लिया, अब तू भी नहीं रह सकता है, तू भी जमीन पर जा। शैतान जो भी बुराई होती है ना, उसको इतना प्यारा बनाता है कि आदमी को बुरा लगता ही नहीं। وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ